नमस्कार दोस्तों, नाम अमित कुमार है मेरा और ऑनलाइन आया सिर्फ ये जानने के लिए आप लोग क्यों जाना चाहते हो घर पर। मैं भी रहता हूँ घर से बाहर, 1200 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं भी। मेरे पास खुद का व्हीकल है, जाना चाहो तो जा सकता हूँ। परंतु ऐसा नहीं, अगर आर्मी की वर्दी नहीं पहनी और पुलिस की वर्दी नहीं पहनी तो देश की सेवा नहीं कर सकते। जरा भी लॉकडाउन में रहना ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप लोग दूसरों के भड़काव में आ जाते हो, आपको अपना परिवार समझ में नहीं आता है। दूसरे के भड़काए में आकर आप सड़क पर पहुंच जाते हो, फिर वहां से पुलिस आपको मारती है, फिर भगा देती है, फिर आप प्रशासन को गाली देते हो। लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आता, इस समस्या से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही तरीका है लड़ने का, सिर्फ घर पर रहो, सुरक्षित रहो। तीन समस्या हो सकती है घर से नहीं आने की और घर जाने की और घर पहुंचने के लिए ना रुकने की। तीन समस्या हो सकती है, राशन, पैसा और खाली समय परिवार में व्यतीत करना। अगर आपको खाली समय परिवार में व्यतीत करना था, अगर आपको परिवार से इतना प्रेम था तो क्यों आया 1200 किलोमीटर दूर? सैलरी आ चुकी है मार्च की, अप्रैल की सैलरी आएगी ही, तो फिर आप क्यों घर जाना चाहते हो? कौन बोलता है आपको राशन नहीं मिल रहा? 100 में से 80 लोगों को राशन मिल रहा है, 20 लोगों को नहीं मिल रहा। वो भी वो लोग हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। मैं दूसरे की बात नहीं कह रहा, मैं अपनी बात खुद कह रहा हूँ। 1200 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं। मार्च में मैं छुट्टी गया हुआ था, 10 तारीख को छुट्टी आया, 12 दिन मैंने काम किया सिर्फ। लेकिन मुझे जब भी राशन पैसा कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ अपना खाली समय व्यतीत करना चाहते हो अपने परिवार में, इसलिए दूसरे लोग आपकी चिंगारी को हवा देते हैं और आप एकदम फुलझ जाते हो, सड़क पर चले जाते हो। आप जिस परिवार से मिलने जा रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप घर से बाहर निकलोगे और वहाँ जाओगे तो 100% आप अपने बच्चे, बीवी, बहन, भाई को एक को संक्रमित जरूर करोगे। एक हो गया तो पूरा परिवार संक्रमित होगा। आप लोग समझ नहीं रहे हो, दूसरे लोगों को कहा कहने में आके अपना ही बुरा करने पर चल रहे हो। आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि और लोग भी हैं। देश 130 करोड़ जनता का है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी फैक्ट्री वाला आपकी सैलरी रोकेगा। जो लोग ऑलरेडी 50-50 लाख, 30-30 लाख दान कर रहे हैं, वो आपकी सैलरी रोकेंगे, आपकी बद्दुआ लेंगे? आप लोग समझने की कोशिश करो भाई लोगों। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक दल और विपक्षी दल एक दूसरे के भिड़े हुए हैं। दो में जो भी है उनका मुझे नहीं पता। फाइनली एक दूसरे को बदनाम करने के चक्कर में आपको मोहरा बना रहे हैं और आप मोहरा प्यादा बन रहे हो। अगर आपके घर में शिक्षा की कमी है, आपका दोस्त बंधु जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, शिक्षा वाला हो, तो उससे पूछना मैं गलत बोल रहा हूं या सही। कृपया अपने देश की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर बने रहिए। जिस आदमी ने आपको भड़काया है, वो आदमी जाके देखिए, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस अपने को हाईलाइट करने के लिए उसने आपको भड़का दिया और आप देश के बाहर निकल के आ गए हो। विनम्र निवेदन है भाई लोगों, परिवार के लिए और देश के लिए घर पर रुके रहिए।